हे हेलो स्टूडेंट आई एम प्रेरणा योर होम साइंस मेन्ट और आई वेलकम यू ऑल टीचर्स अट्डा ट्वेंटी फोर सेवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो स्टूडेंट्स मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपनी आज की क्लास में आप जल्दी जल्दी क्लासेस में लाइट जुड़ जाइएगा और हम अपनी क्लास को शुरू करने वाले हैं आज हम हम पढ़ेंगे अपना वीविंग का सेकेंड पार्ट जहाँ पर हम अपनी जो बेसिक वीव्स हैं उनको पहले फिनिश करेंगे हम ट्वेल्थ वीव के बारे में साटेन और सेटन वीव के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं डेकोरेटिव वीव्स के बारे में जो हमारी इस तरह की बुनाइयाँ होती हैं जिन्हें आप डेकोरेशन पर्पज से यूज करते हैं कपड़े जो डेकोरेटिव इफेक्ट देती है जिन्हें आपकी फिनिशिंग भी, भी कहा जाता है उनको हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास में तो जल्दी से क्लासेस में जुड़ जाइएगा चलिए पहले देख लेते हैं कौन कौन स्टूडेंट क्लासेस में जुड़ गए हैं सभी को पहले तो वेरी 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 गुड आफ्टरनून स्टूडेंट जितने भी बच्चे जुड़े हैं जीतू हेलो गुड आफ्टरनून मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं आयुष कुमार गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून अर्चना गुड आफ्टरनून निशा गुड आफ्टरनून निशा यादव एनाटॉमी कब कराऊंगी अब एनाटॉमी जल्दी ही कराऊंगी स्टूडेंट होपफुली मंडे को आपकी जो क्लास होगी वो एनाटॉमी की होगी जिया गुड आफ्टरनून डॉली त्रिपाठी हेलो बेटा प्रिया तिवारी गुड आफ्टरनून अलका सिंह गुड आफ्टरनून आदर्श द्विवेदी राधे राधे रूपलता कुमारी गुड आफ्टरनून डॉली त्रिपाठी डॉली त्रिपाठी क्या कह रही हैं रूपलता गुड आफ्टरनून मैम जो आप पे आप पढ़ाती हैं आप समझ नहीं आ रहा डॉली आप क्या कह रहे हैं उसी टॉपिक के क्वेश्चन कराइएगा अच्छा जीतू चौधरी राधे राधे मैम एनाटॉमी कब कराएंगी एनाटॉमी वाले बच्चे बहुत हैं भैया आकांक्षा गुड आफ्टरनून भावना हेलो कैसे हैं आप अर्चना राधे राधे मोनिका गुड आफ्टरनून हेलो एम डी इरफान आलम अनुषिका मिश्रा हेलो डॉली त्रिपाठी रूबी गुड आफ्टरनून भावना हेलो मोनिका गुड आफ्टरनून चलिए जल्दी जल्दी क्लासेस में जुड़ जाओ फिर क्लास को शुरू करने वाले हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक जो हमारा होने वाला है वीविंग वीविंग की आज हमारी ये सेकंड क्लास है ठीक है ना मधु त्रिपाठी गुड आफ्टरनून अंशिका मिश्रा गुड आफ्टरनून अर्चना गुड आफ्टरनून भावना आई एम गुड मैम ओके आई एम ऑल्सो गुड बट नॉट गुड तबीयत उतनी अच्छी अभी नहीं है तो चलिएगा जल्दी से क्लासेस में जुड़ जाइएगा डॉली इस बात का हम ध्यान रखेंगे जो आप बोल रही हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसी के क्वेश्चन भी कराए जाएँ मैम संडे में मैराथन करा दो सब मिक्स क्वेश्चन की ओके मिक्स क्वेश्चन की मैराथन संडे की डिमांड है ये ओके मैम आपकी हेल्थ कैसी है अर्चना राठौर हेल्थ अभी देखो अभी तक तो ठीक लग रही है ना अभी क्लास के बीच में फिर पानी पीना पड़ेगा उतनी बेहतर अभी हो नहीं पा रही है ये शायद सीजन ऐसा चल रहा है या वायरल का जो टाइम है उसकी वजह से शायद ऐसा हो रहा है ठीक है ना हम लोगों की तैयारी हो जाएगी तैयारी आप लोगों की पक्का होगी मेरी जिम्मेदारी है ये कि आप लोगों की तैयारी मैं अच्छे से करा के छोड़ूंगी उसकी चिंता बिल्कुल मत करना चलो ठीक है क्लास को शुरू कर देती हूँ अब और पढ़ेंगे आज का टॉपिक हमारा जो कि है वीविंग कल मैंने आपको वीविंग कराई थी प्लेन वीव पढ़ाई थी मैंने आपको जहाँ पे मैंने आपको प्लेन वीव के अंदर रिब्ड और बास्केट वीव समझा दी थी अच्छे से चलो आज बताती हूँ कि ट्वेल्व वीव क्या होती है ट्वेल्व वीव किसे कहते हैं बहुत आराम से पढ़ेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ट्वेल्व वीव से एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है ना स्टूडेंट्स तो चलो से जितने भी बच्चे क्लास में जुड़ गए हैं शुरू कर लेते हैं को करो, शेयर करो, ना? अभी उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे सबकी हेल्थ अच्छी होगी देख लेते हैं ट्वेल्व क्या होती है देखो, वीव को ना हिंदी में भी ट्वेल्व के नाम से ही जानते हैं ध्यान रखना ट्वेल्व वीव होती है उसे हिंदी में भी ट्वेल्व कहते हैं इंग्लिश में भी वीव कहते हैं तो ट्वेल्व के नाम से ही जाना जाता है आप ये कह सकते हो कि हिंदी में तिरछी बुनाई भी कहते हैं तो क्या ते हैं ट्वेल्व वीक को तिरछी बुनाई के नाम से भी जाना जाता है ये ध्यान रखिएगा कि ट्वेल्थ वीव जो होती है उसे तिरछी बुनाई के नाम से भी जाना जाता है कोई और बच्चा भी कुछ कह रहा है भाई मैम संडे को उन टॉपिक्स के क्वेश्चन मैराथन करा दीजिए जो पेड बैच में हो चुके हैं ठीक है, है स्टूडेंट ये थोड़ा सा आइडिया ठीक है जिससे बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी कि हमने जो अभी तक टॉपिक आपको वहां पे करा दिए हैं मैंने कवर अप करा दिए हैं उन सारे टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन में आपको संडे करा दूं ये आइडिया कैसा है चलो जल्दी से बता दो ठीक है ना मोनिका कल भी आपने मेरे से यही क्वेश्चन पूछा था और आज भी आप ये क्वेश्चन पूछ रही हैं कि सबसे ज्यादा जटिल वीव कौन सी होती है तो देखिएगा अगर माना जाए सबसे ज्यादा जो जटिल वीव होती है उसे जेकॉर्ड वाली वीव कहा जाता है जेकॉर्ड वीव जो होती है वो जेकॉर्ड लूम पे होती है और वही सबसे ज्यादा आपकी क्या होती है जटिल वीव मानी जाती है तो होपफुली आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि डेकोरेटिव वीव में जो हमारी जेकॉर्ड वीव होती है वो सबसे ज्यादा जटिल वीव होती है जहां तक मुझे पता है तो होपफुली आंसर यही होगा क्योंकि बाकी सारी जो बेसिक वीव है जिन्हें आधार बुनाइयाँ कहा जाता है वो तो खुद ही बेसिक है तो वो कैसे जटिल हो सकती है ठीक है ना तो चलो आगे बढ़ेंगे देख लेते हैं इन दिस वीव द इंटरसेक्शन ऑफ द थ्रेड प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन डाइग्नली यानी कि जो आपकी कौन सी वीव होती है ट्वेल्व वीव होती है ट्वेल्व वीव में क्या होता है स्टूडेंट्स ट्वेल्व वीव में यह होता है कि जो इंटरसेक्शंस होते हैं यानी कि जो इंटरसेक्शन होता है जो इंटरलेसमेंट होता है किसका इंटरलेसमेंट होता है जो हमारे धागों का इंटरलेसमेंट होता है कौन से धागे वार पयान वेफ यान दोनों का जो इंटरलेसमेंट होगा जो दोनों का क्या होगा धागों का जिनकी बुनाई होनी शुरू होगी जो इंटरलेसमेंट होगी

तो क्या होगा स्टूडेंट डायगोनल लाइन क्रिएट होंगी रेखा क्रिएट होंगी तो अगर आप वाला जो इफेक्ट आता है ठीक है ना अक्रॉस द फैब्रिक मोस्ट ऑफन एट एन एंगल ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री ध्यान रखिएगा कि जो आपकी ट्वेल्व करी जाती है उसमें जो एंगल सबसे ज्यादा पॉपुलर है जो आपका क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है कि किस एंगल पर ट्वेल्व

तो इतना समझ में आ गया कि ट्वेल्थ वीव जो होती है उसे तिरछी बुनाई भी कहा जाता है और तिरछी बुनाई की आपकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इस बुनाई में आपकी तिरछी रेखाएं बनेंगी इंटरलेसमेंट जो होगा उससे तिरछी रेखा वाला जो इफेक्ट है वो जनरेट होगा और ट्वेल्व वीव में जो हमारा एंगल रहता है वो एंगल कितना रहता है आपका फोर्टी डिग्री का एंगल रहता है जहां पर आपकी ट्वेल्थ वीव की जाती है ठीक है ना चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे एग्जाम्पल डेनिम ड्रिल जीन फैनल, यानी कि स्टूडेंट आपके जो लंबे लंबे फैनल क्लोथ होते हैं आपके जो डेनिम की आप जीन्स पहनते हो ना वो डेनिम वाला कपड़ा ठीक है ना एक जिन नाम का कपड़ा होता है एक ड्रिल नाम का जो कपड़ा होता है ये सारे कपड़े एग्जाम्पल होते हैं ट्वेल्व बुनाई का अब ये सारे कपड़ों को एक दिन पिक्चर में और दिखा दूंगी तो थोड़ा शायद समझ में आ जाए अदरवाइज इनको आपको बाकी नाम याद रखने की जरूरत नहीं है बस आपको इतना पता होना चाहिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट नेम है ट्वेल्व बीफ के लिए वो याद रखने वाला है डेनिम तो ये ध्यान

ट्विल वीव की वजह से क्योंकि उसके अंदर तिरछी रेखाएं है होती हैं तो जींस आप कभी भी खींचो वो खिंच ना स्ट्रेचेबिलिटी और जो गर्माहट होती है ना विंटर्स में भी ठंडी लगती वो उसके अंदर का थ्रेड होता है, इसकी से नहीं लगती ठीक है ना तो चलो आगे बढ़ेंगे आप याद रखिएगा आपका जिन हो गया ये सारे आपके एग्जाम्पल है ट्वेल्व वीव के कपड़े के जो ट्वेल्व से बनाए जाते हैं और ट्वेल्व वीव पे आपका फोर्टी फाइव डिग्री वार पे बनाई जाती है ध्यान रखिएगा एंगल

तो ये सिंपली आपको पता चल रहा है ये क्या है ये तिरछी रेखाएं हैं ठीक है ना जो व्हाइट आपको दिख रहा है ये बिल्कुल क्रॉस फॉर्म में है तो ये आपकी तिरछी रेखाएं हैं जब हम ट्वेल्व वीव के बारे में पढ़ते हैं जनरली अगर मैं आपको खुद से भी बना के दिखाऊं देखो इस तरह का आपका बॉक्स होता है ठीक है ना इनके सबके जितने अच्छे से पिक्चर्स याद रखोगे ना उतने आसानी से इसके क्वेश्चंस जो है वो बड़े आराम से कर लोगे ठीक है आपके मैंने बना दिए हैं देन आप जब तिरछी रेखा वाली बुनाई करेंगे मान लीजिए आप यहां से भरना शुरू करते हैं तो आपका ये इस तरह से चलता है ठीक है ना स्टूडेंट ये देखिएगा तो आपके जो इफेक्ट आएगा वो इस तरह से आता है जो आपका तिरछी बुनाई का इफेक्ट कहलाता है जब आप में से कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ी होगी होम साइंस तो उन्होंने एग्जाम में ना ये वाला क्वेश्चन बहुत बार किया भी होगा बुनाई वाला तो इस तरह से रेखाएं जो बनती चली जाती हैं जो तिरछी रेखाएं बनती चली जाती हैं जो मैंने आपको बना के दिखाई है ये आपकी ट्वेल्व वीव की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ट्वेल्व वीप में तिरछी रेखाएं जो है वो ज्यादातर बनती हैं चलो आगे देखेंगे एक बार हमारी साटेन वीव साटेन वीव जो होती है स्टूडेंट बहुत ज्यादा आपको इनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको इतना याद रखना है कि किस वीव से कौन सा इफेक्ट जनरेट होता है किस एंगल पे की जाती है किसे किस अनदर नेम से जाना जाता है और किससे कौन सा कपड़ा बनता है वो भी आपको एक दो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं टीजीटी पीजीटी के लिए कपड़े वाला रोल कहीं से नहीं है वो यूजीसी नेट में होता है आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए वीक की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आप इजिली पहचान सको अगर क्वेश्चन में देखने के लिए मिल रहा है तो ठीक है ना नेक्स्ट बात करेंगे साटन वीव की कि जो साटन वीव होती है वो क्या होती है ठीक है ना तो आपका जो साटन वीव होती है साटन वीव क्या होती है स्टूडेंट आपकी साटन इज अ थर्ड बेसिक वीव ये ध्यान रखिएगा मैंने आपको जब ये चैप्टर शुरू किया था तब भी मैंने आपको ये बात बताया था कि आपका जो वेव जो आपकी वीव्स होती हैं आपकी दो तरह की वीव्स होती हैं ठीक है ना एक होती है आपकी बेसिक वीव जिन्हें आप कहते हैं आधारभूत बुनाइया एक होती है आपकी डेकोरेटिव वीव जिन्हें आप कहते हैं सजावटी बुनाइया तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये कौन सी है ये बेसिक वीव है जिन्हें कहा जाता है आधारभूत बुनाई

होंगी जो आपकी आधारभूत बुनाइया होंगी उनमें आपके जो डिजाइन हैं वो बस रेखाओं वाले डिजाइन बनेंगे सीधी रेखा लंबी रेखा तिरछी रेखा यही बनेंगे कोई भी जोमेट्रिक डिजाइन कोई भी फ्लावर प्रिंट कोई भी मोटिव वाला डिजाइन ये आपका सादी बुनाइयों से नहीं बनता है यानी कि जितनी आपकी बेसिक वीव होती है उनसे आपके पैटर्न वाले डिज़ाइन नहीं बन पाते हैं उनसे आपके नॉर्मल केवल कपड़े बुने जाते हैं तो जो कपड़ों में डिजाइनिंग डाली जाती है वो आपकी डेकोरेटिव वीव से डाली जाती है तो इसके बाद हम अपनी डेकोरेटिव वीव भी पढ़ेंगे ठीक है ना स्टूडेंट ये बात क्लियर रखना कि जो अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो आपकी बेसिक वीव्स होती हैं क्या उनसे डिज़ाइन बनते हैं तो बेसिक वीव से डिजाइन नहीं बनते ये ध्यान रखना ट्वेल्व हो 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 गई, प्लेन वीव हो गई, गई गई, प्लेन आपकी साथ में एक और हो गई, साटन वीव हो गई, इनसे डिजाइन नहीं बनेंगे इनसे सिर्फ और सिर्फ बुनाई होगी जो डिजाइन डाले जाते हैं चाहे वो ज्योमेट्रिक डिजाइन हो चाहे वो फ्लावर प्रिंट हो चाहे वो छोटे छोटे बिंदु हो वो आपके डाले जाते हैं डेकोरेटिव वीव से इनसे वो नहीं डालेंगे ठीक है ना चलो आगे बढ़ेंगे चलो ठीक है ना तो देख लेते हैं है? है, जिसे साधारण करघा कहा जाता है तो साधारण होती है रेगुलर लूम पे ही आपकी साटन वीव की जाती है ये ध्यान रखना कि आपकी जितनी भी बेसिक वीव्स है यानी कि जितनी भी आपकी आधारभूत बुनाइया है आधारभूत बुनाइया अभी मैंने बताई है कौन सी है तो ये भी याद रखना कि

आपकी लिनो जेकॉर्ड और सादी इन सभी में से कौन सी बुनाई ऐसी है जो कि साधारण कपड़े पे आपके साधारण लूम पे की जा रही है तो आप क्या एग्जाम्पल लगाओगे आपको एग्जाम्पल लगाना है सादी बुनाई क्यों क्योंकि सादी बुनाई क्या है एक बेसिक वीव है और बेसिक वीव हमेशा किस पे की जाएगी आपकी बेसिक लूम पे की जाएगी तो ये आपको ध्यान रखना है इस तरह से भी एग्जाम में क्या हो सकता है ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि आपका बेसिक बुनाई जो है वो ऑप्शन में मिल जाए बाकी सारी आपकी कौन सी बुनाई हो डेकोरेटिव बुनाई हो और आपसे पूछ लिया जाए कि इन से कौन सी आपकी बेसिक लूम पर की जाती है तो ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जो सान वीव है वो बेसिक रेगुलर लूम पे की जाती है और ये भी एक आधारभूत बुनाई होती है ठीक है ना चलो इतना क्लियर है आगे बढ़ते हैं आगे देख लेते हैं क्या है हमारा द स्मूथ फैब्रिक ड्रेप्स वेल और जो आपकी क्या होती है? जो होती, है, जो बुनाई होती है वो क्या करती है वो ऐसा फैब्रिक प्रोड्यूस करती है जिसके अंदर लस्टर हो लस्टर मतलब चमक हो ये ध्यान रखना जो चमक युक्त कपड़ा होता है आपका वो कौन बनाती है साटन बुनाई बनाती है तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी बुनाई से आपका चमकदार कपड़ा बनता है लस्टेरियस फैब्रिक जो बनता है वो किससे बनता है तो आप बता सकते हो कि जो आपकी साटन वीव है उससे चमकदार कपड़ा बनता है इसका भी रीजन है क्यों बनेगा ट्विल वीव हो गई प्लेन वीव हो गई कपड़ा जो बन रहा है नॉर्मल फॉर्मेट में बन रहा है बिल्कुल कंडेंस होकर बन रहा है आपस में जो तंतु है बिल्कुल पास पास होते हैं दोनों के तो कपड़ा काफ़ी कठोर होता है ठीक है ना मतलब ज़्यादा भी हार्ड नहीं पर एक एक नॉर्मल टेंडेंसी का होता है बट अगर हम बात करेंगे आपकी साट एंड की तो उसमें जो इंटरलेसमेंट होती है वो धागों की दूर दूर रहती है यानी कि धागे आपस में बिल्कुल चिपके हुए और पास पास नहीं होते दूर दूर होते हैं जिसकी वजह से क्या होगा कपड़े में चमक ज़्यादा होगी कपड़ा फ्लोई होगा आप कपड़े को ड्रेप करोगे तो आसानी से ड्रेप हो जाएगा इन द सेंस आप देखते भी हो आजकल जो लोग मिंत्रा वगैरह से शॉपिंग करते हैं तो मिंत्रा पे डाल के सर्च करना साटन की साड़ी तो साटन वाली साड़ियां भी आजकल अवेलेबल हैं जो कि एकदम ड्रेप हो जाती हैं एकदम बन जाती हैं और बिल्कुल ऐसे ड्रेपी वाली फॉर्म में होती हैं गिरी गिरी सी रहती हैं वो साड़ियां कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ये तो साटन का कपड़ा है ठीक है ना तो आप ये देख सकते हैं कि आपका क्या होता है जो आपकी साटन वाली जो ये वीव होती है इससे आपका चमकदार कपड़ा बनता है ठीक है ना और क्या हुआ है चमकदार जो ये कपड़ा बनता है लस्टेरियस होता है और आप इसे आसानी से ड्रेप कर सकते हो मीनल कुछ पूछ रही है मैम आप इसी टॉपिक पे एमसीक्यू करवा देना प्लीज ठीक है स्टूडेंट करवा देंगे और बताइएगा सब मुझे अपनी अपनी डिमांड जो है वो बताते रहते हो मैम पढ़ा रही है अभी सब पढ़ लो कितनी बातें करते हो भाई बालिका वर्ग मैम कर करा दो जीतू जी से बहुत बातें होती है अभी सारे बच्चों की ओके हम तो इंटर से वापस हो गए थे किससे वापस इंटर से वापस बहुत बातें करते हैं सारे बच्चे जितने बच्चे इस क्लास में है ना मुझे ऐसा लग गया है कि मुझे तो कमी जानते होंगे आपस में इतने सारे दोस्त बन गए हैं कि सबकी ना अपनी अपनी बातें चलती रहती है कि ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है भाई कितनी बातें करते हो आपस में लगे रहते हो बातें करने में इसका मतलब पढ़ रहे नहीं हो मेरी क्लास में बस बातें करते रहते हो चलो ठीक है आगे देखेंगे द वीव जो होती है आपकी क्या करती है स्टूडेंट्स साट वीव में जो इंटरलेसमेंट होता है धागों का वो क्या होता है दूर दूर होता है जिसकी वजह से जो कपड़ा होता है ना वो कैसा होता है लस्टेरियस फैब्रिक होता है यानी कि चमकदार कपड़ा बनता है रेशे जितने दूर दूर होंगे ना कपड़ा उतना फ्लोई बनेगा रेशे जितने पास पास होंगे कपड़ा उतना कठोर यानी कि कंडेंस फॉर्म में होगा ठीक है ना चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट वर्ड लेते हैं पॉइंट हमारा ठीक है आगे देख रहे हैं इट इज मेड विद लॉन्ग फ्लोट विद द यार्न इंटरलेसिंग एज फॉर पार्ट इज पॉसिबल टू अवॉइड अ ट्विन लाइन इफेक्ट यानी कि जो आपकी इस तरह की जो मैम आप बहुत अच्छी हैं मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूं तुम सारे लोग मेरी क्लास में सिर्फ बातें करते हो और मेरे से कोई बात नहीं करता है सिर्फ अपनी बातों में लगे रहते हो और फिर कह रहे हो मैम अच्छी है मैम अच्छी नहीं है तुम सारे लोग बातें करते हो चलो आगे देखेंगे इट इज मेड विथ लॉन्ग फ्लोट इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि जो आपकी सार्टन वीव की जाती है उसमें लॉन्ग फ्लोट्स दिए जाते हैं लॉन्ग फ्लोट्स का मतलब

गा जितना लंबा आप इंटरलेसमेंट कर सकते हो अंशिका अनिका क्या नाम है जो भी है बेटा सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है मुझे तो अच्छा लग रहा है तुम सारे बातें करो कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं है बस मेरी क्लास का भी ध्यान रखना कि अच्छे से पढ़ लो सॉरी कहते हैं ऐसे में सबको डंडे से ऐसे मारने के लिए तैयार बैठी हूं ऐसा नहीं है क्लास में बातें भी करो बस अच्छे से पढ़ो बाकी सबके साथ मेरी गुड है सारे के सारे लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है पर हाँ ये जरूर बताना कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एग्जाम पहले दे चुके हैं आप में से काफी सारे स्टूडेंट मुझे लग रहा है ऐसे होंगे जिन्होंने एग्जाम पिछले साल दिया है और इस बार दोबारा दे रहे हैं या फिर किसी ने और पहले भी तैयारी की हो तो मुझे यह लिखकर जरूर बताना कि किसने एग्जाम पहले दिया हुआ है ठीक है ना तो आपकी जो साटन वीव होती है वो कैसी वीव होती है स्टूडेंट जहाँ पे लंबे फ्लोट्स होते हैं धागे पास पास नहीं होते इसलिए कपड़े में जो चमक है वो ज़्यादा आती है और जो लंबे फ्लोट करने का जो तरीका होता है वो क्यों अपनाया जाता है जिससे कि ट्वेल्व वीव वाले इफेक्ट को खत्म किया जा सके अगर हम इसको वैसे ही बुनाई बनाए करेंगे और इसमें जो धागे हैं उसको लंबा गैप नहीं देंगे तो सेम इफेक्ट आ जाएगा जैसे कि ट्वेल्व वीव में आता है तो ट्वेल्व वीव वाला इफेक्ट ना लाने के लिए हम क्या करते हैं हम इसको क्या करते हैं स्टूडेंट हम लंबे लंबे जंप लगाते हैं

रखिएगा कि जो आपकी साटन वीव होती है वो फ्लोटिंग वीव भी कहलाती है उसमें धागे काफी तैर के दूसरे धागे के ऊपर जाते हैं लंबा गैप रखा जाता है कपड़े में चमक आती है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ जिस तरह से मैंने बोला था ना कि ट्वेल्व वीव में एक नाम याद रखना डेनिम काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में उसी तरह से जो डमैक्स नाम का आपका फैब्रिक है ठीक है ना कौन सा फैब्रिक है? है ये आपका बहुत बार पूछा जाता है कि, कि किस वीव से बनता है तो ध्यान रखना ये नाम रट लेना ये याद रखना साटिन से बनता है ठीक है ना जो साटिन वीव होती है उससे ये वाला बनता है चलो आपके कमेंट्स भी एक बार मैं देख लेती हूँ क्या बोल रहे हैं बच्चे मैम मैंने भी दिया था ओके दीपा मेरा फर्स्ट टाइम है टी जी टी ओकेज अर्चना मैम एक नंबर से रुका था वेरी बैड आपकी बार पक्का क्लियर हो जाएगा अर्चना मुझे पक्की उम्मीद है ठीक है ना फर्स्ट टाइम है ओके फर्स्ट बार प्रिया का भी है जीतू का भी फर्स्ट बार है प्रियंका है इसका मतलब मुझे लग है, बच्चे एक्टिव मोड पर नहीं रहते ऐसा तो नहीं है ना कि क्लास चला के सब अपने काम में लग जाते हो ऐसा मत करना बिल्कुल भी पढ़ लेना अच्छे से ठीक है ना तो ये याद रखना चलो आगे इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ कैसे मैंने बोला ना लंबी लंबी फ्लोटिंग होती है यानी कि धागा जो है चाहे ताने का हो या बाने का हो कोई भी धागा हो सकता है लंबी फ्लोटिंग करता है तो देखो जैसे यहाँ पे एक धागा ये वाला है ना मान लीजिए लंबाई वाला धागे अलग है चौड़ाई वाले ये है तो आप इसे देख लो एक गैप यहाँ पे है तो दूसरा गैप यहां पे है तो तीसरा यहाँ पे है फ्री यहाँ पे फ्री यहाँ पे है, तो देख रहे हो ना कितना लंबा गैप है मान लो इसके नीचे एक दो तीन चार खाने छोड़ के तभी पांचवे के पास आ रहा है सभी लोग देख पा रहे हो ना तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी साटन वीव होती है स्टूडेंट उसमें जो इंटरलेसमेंट होता है काफी फ्लोई फॉर्म में होता है काफी लंबे लंबे गैप्स दिए जाते हैं धागे में जिससे कि कपड़ा जितना दूर दूर बुना जाएगा कपड़े में उतनी ही ज्यादा क्या होगी शाइनिंग होगी कपड़ा उतना ही हल्का बनेगा इसलिए साटन का कपड़ा जो होता है वो हल्का बनता है ठीक है ना चलो आगे देखेंगे क्या होता है नेक्स्ट हमारा

होता है उसका ज्यादा रोल होता है वेन द फ्लोर्स इन द वी आर मेड बाय फिलिंग यान्स यानी कि दोनों में डिफरेंस याद रखना जब हमने बात की थी कौन से वाले वीव की साटेन वीव की बात की थी तो साटेन वीव में जो फ्लोट हो रहा था यानी कि जो तैर रहा था वो आपका वार्क भी तैर सकता है और वेफ्ट यान भी तैर सकता है ये ध्यान रखना कि आपकी साटेन वीव में ताने का धागा भी तैर सकता है और बाने का धागा भी तैर सकता है बट अगर हम बात करें कौन सी वीव की वीव की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फिलिंग यान ही तैरेगा यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाने का धागा ही तैरेगा तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि काफी कंफ्यूज होते हैं साटे और साटेन और सैटिन वीव में दोनों में क्या बड़ा अंतर है देखो मैंने क्लियर कर दिया दोनों में कौन सा बड़ा अंतर है दो, दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि साटेन वीव जो होती है उसमें जो फ्लोटिंग का प्रोसेस होता है जो तैरते हैं एक दूसरे के ऊपर वो आपके वार्प भी तैर सकते हैं वेफ्ट भी तैर सकते हैं यानी कि ताने का धागा, बाने का धागा धागा बाने दोनों तैर सकते हैं ऐसा नहीं है कोई एक ही तैरेगा जो इफेक्ट है वो दोनों डाल सकते हैं बट अगर हम वीव की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो बाने का धागा है जिसे फिलिंग यान कहा जाता है वो ही तैर सकता है बाकी कोई और नहीं तैरेगा तो दोनों में डिफरेंस मुझे लग रहा है सभी को समझ में आ गया होगा क्लास अच्छी लग रही हो ना तो कमेंट सेक्शन में यह भी लिख कर बता दो जितने भी बच्चे बातें कर रहे हैं प्लीज ये भी लिख के बता दो

तीसरा यहां था मतलब चार चार का गैप आ रहा था कम से कम ठीक है ना उसी तरह से अगर हम बात करेंगे तो ये वाला खाना यहां भरा हुआ है ना तो अब एक दो तीन चार यानी कि अब कौन सा अब कौन सा भरा जाएगा जब हमने पहला भर दिया तीन छोड़ दिए चौथा भर दिया ठीक है ना तो अब तीन का गैप है इसके अंदर तो अब तीन का गैप डालने के लिए हम क्या करेंगे एक दो तीन का गैप डालेंगे और ये वाला भर देंगे फिर एक दो तीन का गैप डालेंगे ये वाला भर देंगे तो आपका इस तरह का जो इफेक्ट आ रहा था वो किस में आ रहा था आपका साटन में ठीक है ना अब बात कर रहे हैं सैटिन की तो इसमें क्या होगा देखो कितना लंबा अंतर है दो के बाद एक चार के बाद एक फिर एक के बाद एक फिर तीन खाली तो आपका जो सैटिन वीव होती है उसमें जो आपका डिफरेंस आता है वो काफी लंबा आता है कि धागे और दूर दूर होते हैं क्यों क्योंकि देखो कहीं पे तो इन्होंने क्या किया हुआ है जो आपका वार पियान है ठीक है ना उसे देखो यहीं पे भर दिया कहीं पे आपने यहां पे भर दिया यानी कि दोनों में इवन नहीं होता अन ईवन फॉर्म में चलता है ये ध्यान रखना कि अन ईवन फॉर्म में चलेगा और सिर्फ और सिर्फ जो आएगा आपका वेरिएशन जो आएगा जो फ्लोट करेगा वो कौन सा धागा करेगा स्टूडेंट वो आपका फ्लोट करेगा वो होगा आपका वेफ्टयान यानी कि बाने का धागा ही फ्लोट करता है ठीक है ना अच्छा स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं रूबी जी ये प्रश्न तो साटिन और सेटिन से गलत हो गया था बस मेरा पेपर में ओके अर्चना कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी बार मैं मिल गई हूँ ना तो आपकी बार ये वाला क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है मैं आ गई हूँ और देखो साटिन सेटिन ही पढ़ा रही हूँ अर्चना तो आपका गलत नहीं होगा ठीक है ना मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो क्लास अच्छी है अच्छा चलो जाग गए सारे बच्चे चलो कोई बात नहीं अब अपनी बातें करने लग जाओ चलो ठीक है अब हमने ये सारी बेसिक भी पढ़ ली है हमारी जो हमारी आज की क्लास में हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हमने खत्म करा है वो बेसिक वीव था जो हमारा क्लियर हो गया सभी बच्चों को

अभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी डेकोरेटिव वीव कौन सी होती हैं। बिल्कुल क्लियर करा दूंगी आपको आज की क्लास में चलेगा तो अभी हम अपना आज का दूसरा वाला टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि हमारा है डेकोरेटिव डेकोरेटिव वीव वीव्स क्या होती हैं हैं चलो एक बार देख लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है तीन तरह की डेकोरेटिव वीव्स होती हैं तो अच्छे से समझ लेना मुझे लग रहा है आसानी से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि डेकोरेटिव वीव्स कितने टाइप्स की होती है चलो स्लाइड चेंज करती हूँ और देख लो पहली वीव कौन सी होती है जिसे डेकोरेटिव वीव कहा जाता है तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट जो आपकी डेकोरेटिव वीव होती है ठीक है ना आपकी डेकोरेटिव वीव जो होती हैं स्टूडेंट उन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है हिंदी में उन्हें कहा जाता है सजावटी बुनाई ठीक है ना आप उन्हें डेकोरेटिव वीव भी कहते हैं फिनिशिंग वीव भी कहते हैं आपकी सजावटी बुनाइयां होती हैं जो कि बेसिक वीव से अलग होती हैं ठीक है ना आपकी बेसिक वीव से अलग होती हैं ये वाली बुनाई ठीक है नाम बिल्कुल याद रखना तीन ऐसी वीव हैं जो कि डेकोरेशन में यूज होती है काफी ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी पॉपुलर भी है ठीक है ना ठीक है स्टूडेंट्स तो चलिए देखते हैं आपकी जो फर्स्ट वीव है जो मैं आपको पढ़ा रही हूं वो है आपकी डॉबी वीव ठीक है ना कौन सी वीव है आपकी डॉबी वीव ये नाम याद रखिएगा तीन तरह की होती है तीन आपको बीव्स पढ़ाऊंगी मैं जो कि आपकी डेकोरेशन पर्पज से यूज होती है एक है आपकी डॉबी जो कि हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं इसके बाद हम पढ़ेंगे जैकॉर्ड और उसके बाद हम पढ़ेंगे लीनो तीन तरह की हमारी वीव होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज होती हैं आपकी डेकोरेशन पर्पज से कितनी बातें करते हैं मैम जब नोट्स जाएंगे तो वीव्स की इमेज भी बनानी होगी क्या नहीं देखिए जब आपको नोट्स बनाने हाँ जो बच्चे नोट्स मेंटेन कर रहे हैं ना मेरी क्लास को देख के अपने नोट्स बना रहे हैं खुद से तो इस बात का ध्यान रखें कि सभी को वीव्स बनानी आनी चाहिए जितने भी स्टूडेंट हैं ना अगर आप लोगों को वीव्स बनानी आ गई ना एक बार आपको कभी वीव के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे इस बात को बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ कि जो भी स्टूडेंट अगर टेक्सटाइल एक ऐसा सब्जेक्ट है देखो मेरा मानना यह है पर्सनली जब मैं पढ़ती थी तो टेक्सटाइल की हमेशा ना पिक्चर जरूर बनाती थी क्योंकि जितना ज्यादा आप टेक्सटाइल को पिक्चर के फॉर्म में पढ़ोगे उतना ज्यादा टेक्सटाइल आपको याद हो जाएगा अगर आप टेक्सटाइल में पिक्चर नहीं बनाओगे वो आपको कभी याद नहीं होगा ठीक है ना जैसे कि देखो जब भी मैं आपको लूम वाला बात समझाती हूं लूम के बारे में जब भी मैं आपको समझाती हूं तो मैं लूम का पिक्चर जरूर बनाती हूँ क्यों क्योंकि लूम का पिक्चर मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है जब मैं आपको एनाटॉमी पढ़ाना शुरू करूंगी तो आप देखोगे कि मैं आपको एकदम से ना ड्रॉ करके बता दूंगी कि हार्ट इस तरह से बनता है है ना आपके लंग्स इस तरह से बनते हैं क्योंकि क्या होता है कि जब आपका एनाटॉमी जो सब्जेक्ट है वो भी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप क्या कर सकते हो पिक्चर की हेल्प से बहुत जल्दी याद कर सकते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एनाटॉमी हो गया टेक्सटाइल हो गया

सभी के सभी आपके किससे की जाती है डॉबी वीव से की जाती है तो यह ध्यान रखिएगा कि जब आपका क्या होता है स्टूडेंट आपका जो डॉबी वीव होती है जो कि एक सजावटी वीव है जिसे डेकोरेशन पर्पज से यूज किया जाता है उस बुनाई को करने का मेन उद्देश्य क्या होता है कि उससे एक तो आपके क्या बन जाते हैं बिंदु वाला डिज़ाइन बनता है डॉटेड डिजाइन बनता है साथ ही साथ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बन जाते हैं यानी कि जयमितीय डिज़ाइन बनते हैं और फ्लोरल प्रिंट भी बनते हैं यानी कि फूल वाले डिज़ाइन भी आप इस वाले वीविंग से बना सकते हो जो कि उन चारों वीविंग से नहीं बनता जो मैंने आपको अब से पहले पढ़ाई है तो इतना क्लियर है ये ध्यान रखना एग्जाम में कोई आपसे पूछ ले कि ऐसी कौन सी वीव है जिसके द्वारा डॉट ज्योमेट्रिक डिजाइन और फ्लोरल प्रिंट बनाए जाते हैं तो आग बंद करके आंसर लगा देना कि हमारे डॉबी वीव से बनते हैं ठीक है ना फिगर से ज़्यादा समझ में आता है मैम मैम प्लीज़ रिप्लाई मी आईसीडीएस किस ईयर में स्टार्ट हुआ था आदर्श द्विवेदी जी आईसीडीएस 2 अक्टूबर से नाइनटीन में स्टार्ट हुआ था ठीक है ना याद कर लो बहुत ही कॉमन है और सारे एग्जाम से पूछा जाता है आई सी डी जो होता है ठीक है ना तो चलो आगे देखेंगे डॉवी वीव सभी को समझ में आ गया कि डॉवी वीव आप क्यों यूज़ करते हैं जब आपको ज्योमेट्रिक डिज़ाइन आपको डॉटेड डिज़ाइन फ्लोरल प्रिंट बनाने होते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाता है ठीक है स्टूडेंट्स द डिजाइन इज प्रोड्यूस टू और मोर बेसिक वीव्स ये ध्यान रखना जब आपकी डॉबी वीव जो की जाती है उसमें आप टू और मोर यानी कि दो या दो से ज्यादा क्या इस्तेमाल करते हो बेसिक वीव का इस्तेमाल करते हो तो ये भी याद रखना कि जो आपकी डॉबी वीव की जाती है उसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि आप दो या दो से ज्यादा बेसिक वीव का इस्तेमाल करते हो जिससे आपकी क्या बन जाती है डॉबी वीव बन जाती है ठीक है ना और याद रखिएगा जो आपकी डॉबी वीव होती है उसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट हमें कम से कम 32 टू हार्डनेस की जरूरत होती है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो डॉबी वीव होती है उसमें जो हार्डनेस की जरूरत होती है 32 टू हार्डनेस का इस्तेमाल किया जाता है कितने हार्डनेस का 32 टू हार्डनेस का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है ना स्टूडेंट जो आपकी डॉबी वीव होती है उसमें हम थर्टी टू का यूज करते हैं ये भी नोट डाउन करने वाला पॉइंट है जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आपकी जो वीव है वो बेसिक लूम पे की जाती है उसी तरह से ये भी ध्यान रखो कि जो आपकी डॉबी वीव होती है उसमें हमें थर्टी टू हार्डनेस की जरूरत पड़ती है और सही कह रही है अर्चना जी आप कि आपका बर्ड आई वीव भी से कहा जाता है क्या कहा जाता है इसे स्टूडेंट बर्ड आई वीव के नाम से भी इसे जाना जाता है क्योंकि डॉट बनते हैं ना छोटे छोटे डॉट बनते हैं इसलिए इसे बर्ड आई वीव भी कहा जाता है तो ये ध्यान रखिएगा डॉबी वीव आपकी ये होती है चलो आगे बढ़ेंगे थर्टी टू हार्डनेस की जरूरत पड़ेगी आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट ठीक है student, ना आगे बात करेंगे आपकी जो मैं दिखा रही हूँ देखो आपको ये पिक्चर तो आप देख सकते हो इस तरह के आपके ज्योमेट्रिक डिजाइन टाइप के बनते हैं इस तरह से जो आपके बनते हैं ना ये आपके ज्योमेट्रिक डिजाइन का एक पैटर्न है और ये आपके किस में बनेंगे ये आपके सारे बनते हैं डॉबी वीव में ठीक है ना तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके इस तरह के जो ये पैटर्न है जितने भी ज्योमेट्रिक पैटर्न है ये सारे आपके बनते हैं डॉबी वीव में जहाँ पे आप डॉटेड ज्योमेट्रिक और फ्लार प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं ठीक है ना आगे देखेंगे चलो डॉबी वीव समझ में आ गई होगी नेक्स्ट है हमारी जेकॉर्ड डिजाइन जो जेकॉर्ड वीव है ये ध्यान रखिएगा जो वीव होती है स्टूडेंट वो जैकॉर्ड लूम पे की जाती है ये भी याद रखने वाली बात है ने किया था यह ध्यान रखिएगा जो जोसफ मैरी जेकॉर्ड है उन्होंने सबसे पहले इस वीव को क्या किया था इंट्रोड्यूस किया था वन में ये याद रखना है कि सबसे पहले यह वीप वन इंट्रोड्यूस हुई थी जोसफ मेरी जेकॉर्ड ने इसे इंट्रोड्यूस किया था एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड वीव होती, है, ये, ध्यान रखना काफी होती है, तो है उसके लिए आप इसे यूज करते हैं यानी कि बुने हुए कपड़े में जो डेकोरेशन से डिजाइन बनाए जाते हैं उसके लिए आप इसे यूज करते हैं और इसे यूज करा जाता है इसे बनाया जाता है जेकॉर्ड लूम पे ध्यान रखना कि आपकी जो ये बुनाई है जैकॉर्ड लूम पे की जाएगी जैकॉर्ड के अलावा यह किसी लूम पर नहीं की जा सकती है क्योंकि जैकॉर्ड जैकॉर्ड वीव है ये लूम पर ही की जाएगी और यह ध्यान रखना मैरी जैकॉर्ड ने 1801 में इंट्रोड्यूस किया था साथ ही साथ स्टूडेंट कॉम्प्लीकेटेड वीव होती है डेकोरेशन पर्पज से यूज की जाती है कपड़े में ठीक है ना इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जो ब्रोकेड होता है डोमेस्क होता है टपेस्ट्री होता है टेरी क्लॉथ होता है वो सारे इसी के एग्जाम्पल होते हैं ठीक है ना ब्रोकेड आप सभी काफी वाकिफ होंगे

जैसे कि कोई प्लेन वीव चल रही है ठीक है ना ऐसे देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि ट्वेल्व वीव चल रही है ठीक है स्टूडेंट्स आप अगर यहाँ देख लोगे तो ये सारी चीजें ऐसी भी लगेंगी जैसे ज्योमेट्रिक डिजाइन बन रहे हैं यानी कि काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वीव होती है अर्चना सिंह कह रही है, 2018 में आया है ये प्रश्न बेटा जितने जितने टॉपिक एक बात का ध्यान रखना जितने बच्चे मेरी क्लास में है ना जो मेरे पेड बैच में है और जो मेरी यहाँ की क्लास में पढ़ रहे हैं एक बात को बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं कि उन बच्चों को जो मैं नोट्स दे रही हूँ जो मेरे पेड बैच में है एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो कि आपको ये लगे एक चैप्टर भी मैं ऐसा नहीं पढ़ाऊंगी जो आपको ये लगे कि मैम ने कार में पढ़ा दिया या एक्स्ट्रा पढ़ा दिया आपको वही पढ़ा रही हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं नोट्स पढ़ाने की कोशिश करती हूं चाहे मैं यहां पे चाहे मैं क्लास में पढ़ाऊं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें बताती हूं जहां से आपके ऑब्जेक्टिव बन सके तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स जो तो मेरी क्लास में जुड़े हुए हैं उन्हें यह बात इजिली समझ में आती होगी कि हाँ मैम बहुत फालतू की चीजें बहुत ज्यादा थरी मेटीरियल ऐसा नहीं पढ़ाती मेरी क्लास का सीधा लॉजिक ये है कि एग्जाम की तैयारी करने आए हो एग्जाम आपका पास हो जाना चाहिए साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे मेरी क्लास में जिनको ये डाउट रहता होगा के हाँ एग्ज़ाम तो होने वाला है एग्ज़ाम अभी होने वाला है बड़े बड़े नोटिफिकेशन्स आने शुरू हो गए हैं जबकि एग्जाम अभी नहीं हो रहा एग्ज़ाम आपका जाके अक्टूबर के फर्स्ट वीक या लास्ट में होगा उससे पहले नहीं होगा तो आपका चाहे मुझे दो घंटे पढ़ाना पड़े लगातार पर सिलेबस तो मैं आपका ख़त्म करा के छोड़ूंगी ये बात तो जितने भी बच्चे हैं ना ये बहुत अच्छे से मान लें कि जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बैच में इनरोल हुए हैं चाहे मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊं चाहे मैं आपको ज़्यादा टाइम दूं पर सिलेबस तो एग्ज़ाम से पहले मैं आपका खत्म करवा के ही मानूंगी चाहे कुछ भी हो जाए चाहे मुझे दो की जगह तीन घंटे ना पढ़ाना पड़ जाए सिलेबस तो मैं खत्म कराऊंगी ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर पैसे दिए हैं आपने इनमेंट लिया है और मैं आपका सिलेबस कराए बिना आपको बोल दूं कि जी अच्छा ठीक है मेरी साइड से तो एक ही घंटा था और आपका काम हो गया नहीं मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है आपका सिलेबस पूरा कराऊंगी और आपके भरोसे पे जो आपका भरोसा मुझे लेकर है वो मैं नहीं तोड़ूंगी इस बात का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं भी खुद एक स्टूडेंट हूं मुझे भी अपनी तैयारी करनी है साथ साथ काफी सारी चीजों की तैयारियां करनी है तो मैं कैसे ऐसा कर सकती हूं कि एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मैं उसे हार्म पहुंचाने की कोशिश करूं तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है आप जितने भी स्टूडेंट हैं काफी सिक्योर महसूस करेंगे कि मैम हमें अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रही है साथ ही साथ फालतू तो चीजें नहीं पढ़ाऊंगी ये मान के चलना बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाऊंगी बहुत सारे हाँ सिलेबस के साथ रिविजन इंक्लूड है उसको कोई भी बिल्कुल टेंशन ना ले सिलेबस के साथ आपका रिविजन इंक्लूड रहेगा रिविजन के लिए मैं यहां भी अवेलेबल हूँ सारे एमसीक्यूज कराने की कोशिश करती हूँ और अभी तक जितने कराए हैं ना काफी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले ही कराए हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी चलो आगे देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट वीव कौन सी है आज बहुत सारी बातें कर ली मैंने ठीक है ना सारे स्टूडेंट से चलो नेक्स्ट है हमारी वीव लीनोवीव वीव क्या होती है स्टूडेंट वीव होती है द लीनो वीव प्रोड्यूस एन ओपन ओपन टेक्सचर्ड फैब्रिक दैट मे बी श्यर और हैवी जो आपका वीव होती है उससे जो आपका क्या बनाया जाता है स्टूडेंट जो कपड़ा बनाया जाता है वो श्यर कपड़ा होता है यानी कि थोड़ा सा बिल्कुल पतला वाला कपड़ा बनता है कई बार ये हैवी भी हो सकता है और ये क्या करती है स्टूडेंट इसके लिए हमें नॉर्मल हमल बेसिक लूम पे ही हम एक अटैचमेंट लगाते हैं अलग से जिससे आपका क्या मिल जाता है आपकी लिनो वीव बनती है ये ध्यान रखना जो लिनो वीव होती है आपकी बेसिक लूम पे बनती है ये आप ध्यान रखो कई बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपकी जो लिनो वीव बनती है वो बेसिक लूम पे बनती है कोई बच्चे मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं ओके okay. मैम ये अड्डा वाले स्टूडेंट्स के साथ धोखा कर रहे हैं आप क्या कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट अपनी बातें आप लोग रख सकते हैं जो भी आप कहना चाहते हैं दीपा जी मेरी भी सेम प्रॉब्लम है प्रिया तिवारी आपकी क्या प्रॉब्लम है आप बताइएगा मुझे हिंदी वाले स्टूडेंट्स के साथ हुआ है हिंदी वाले स्टूडेंट के साथ आखिर हुआ क्या है ये मेरी पिछली वाली क्लास में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट ये वाली बात बोल रहे थे कि हिंदी वाले स्टूडेंट के साथ कुछ हुआ है हिंदी वाले स्टूडेंट के साथ कुछ हुआ है मुझे नहीं पता चल रहा बच्चों क्या हुआ है क्योंकि मैं नहीं जानती तो मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं बता सकती कि क्या हुआ है बाकी मैम uh, आपके कोर्स कैसे लें प्लीज बताओ uh, आपका ना ही ना ही जो भी नाम है ये N वाला बेटा अभी मैं क्लास के लास्ट में बताऊंगी कि आप मेरा बैच कैसे परचेज कर सकते हो तो क्लास में लास्ट तक बने रहो ना ही या जो भी आपका नाम है कि आपको कोर्स कैसे लेना है क्लास के लास्ट में बताऊंगी और ये हिंदी वाले बच्चों की प्रॉब्लम बड़ी कॉम्प्लीकेटेड है पता नहीं क्या हुआ है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरी एक लास्ट क्लास में भी क्या हो रहा था कि आपका ना मतलब एक स्टूडेंट बोल रहा था कमेंट में कि मैम हिंदी वाले बच्चों के साथ कुछ हुआ है आई डोंट नो क्या हुआ है प्लीज़ ये भी बता दो ठीक है ना तो आपकी ये ध्यान रखना कि कई बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो लीनो वीव है ठीक है ना आपकी लीनो वीव कौन से लूम पे की जाती है अब देखो जैसे कि पता है कि लीनो वीव जो होती है उससे जो कपड़ा बनता है थोड़ा शेयर फैब्रिक बनता है आपके दूर 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 दूर, दूर, दूर इंटरलेसमेंट होते हैं आपकी जालीदार जो कपड़े बनते हैं वो ज्यादातर इसी वीव से बनाए जाते हैं तो एग्जाम में ना थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि बच्चों को यह लगेगा कि अच्छा थोड़ी डेकोरेटिव वीव है इसका मतलब बेसिक लूम पर नहीं की जाएगी तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट की आपकी लीनो वीव की जाती है बेसिक लूम पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये बेसिक लूम पर जो की जाती है स्टूडेंट इसमें एक अटैचमेंट लगाया जाता है अलग से एक पार्ट होता है जिसे बेसिक लूम पर ऐड कर दिया जाता है जिससे आपकी लीनो वीव जो है उसे दिया जाता है सादे लूम पर, सादे आपका जो आपका ये होता है, उस पे लगा दिया जाता है, तब आपकी जो वीव बनेगी आप उसे कहेंगे वो लीनो वीव तैयार होगी बेसिक लूम पर अटैचमेंट लगा के ठीक है स्टूडेंट और साथ ही साथ कपड़ा थोड़ा शीयर फैब्रिक तैयार होता है चलो आगे पिक्चर में दिखाऊंगी कैसा होता है द्रोप

इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो लिनोवीव का मॉस्किटो नेट ये क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में कई बार पूछा गया है यूजीसी नेट एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉस्किटो नेट किस तरह की वीव का एग्जाम्पल है तो ध्यान रखना है स्टूडेंट जो मॉस्किटो नेट होती है आपकी वो आपकी किसका एग्जाम्पल होती है व का एग्जाम्पल होती है बहुत अच्छे से रट लो ये क्वेश्चन जिन बच्चों को नेट की तैयारी करनी है जिस बच्चों को तैयारी करनी है टीजीडी पीजीडी की दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से बन रहे हैं एक तो आपका क्या होता है जो लीनोवीव होती है कौन से लूम पर की जाती है वीव की जाती है आपकी बेसिक लूम के ऊपर ये ध्यान रखना पहला क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट है इस वाले टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है कि लीनोवीव को करने के लिए क्या किया जाता है तो लीनोवीव को करने के लिए एक अलग से अटैचमेंट लगाया जाता है कपड़े के ऊपर दूसरी बात ये ध्यान रखनी है तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि लीनोवीव जो होती है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है मॉस्किटो नेट यानी कि मच्छरदानी इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है चौथा क्वेश्चन एक और बनेगा कि लीनोवीव को किस अनदर नाम से जानते हैं ठीक है ना जो लीनोवीव होती है उसे किस नाम से जानते हैं लीनो वीव को स्टूडेंट गौज वीव के नाम से भी जाना जाता है किस नाम से जो गौज वीव होती है गौज वीव के नाम से भी हम लीनो वीव को जानते हैं सही कह रही हो प्रियंका एट के शेप में होती है जब मॉस्किटो नेट है ना आपके इस तरह के इसमें लूप्स बनते जाते हैं ध्यान रखिएगा एट के शेप में होती है और स्टूडेंट इसे लीनो को गौज भी कहा जाता है को क्या कहा जाता है गौज के नाम से भी इसे जाना जाता है ठीक है ना तो मुझे लग रहा है कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी आपको बेसिक वीव आपको डेकोरेटिव वीव काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी अगर समझ में आ गई हैं मैंने ठीक से पढ़ाई हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि यस मैम हमें अच्छे से समझ में आ गई है और देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई हो तो उसके बारे में मुझे लगता है कि आपको जो सुषमा या जो भी आप हैं स्टूडेंट आपको मुझे लगता है एक बार काउंसलिंग वाले मैंबर से बात कर लेनी चाहिए जो हमारे टेलीकॉलर्स होते हैं एक बार उनसे आपको बात कर लेनी चाहिए ठीक है ना स्टूडेंट साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि काफी सारे बच्चों ने ना यह वाली बात भी बोली थी कि मैम आपकी क्लास का ना नोटिफिकेशन नहीं आता आपकी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है ये वाली प्रॉब्लम भी काफी सारे स्टूडेंट की है तो उनको मैं एक बात बता दू कि आप क्या कीजिएगा आप आप अपनी सेटिंग सेटिंग में में जाइएगा जाइएगा फोन की में जहां पे आपकी पे आपकी एप्स होती वहां अलाउ कर दीजिएगा परमिशन कर दीजिएगा अलाउ जिससे कि आपके जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको क्लास का मिलता रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको मेरी क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए ठीक है ना स्टूडेंट क्योंकि ये प्रॉब्लम काफी सारे बच्चों के साथ है कि मैम आपकी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है ठीक है तो ये वाली चीज का आप ध्यान रख सकते हैं जिस बच्चे को मेरा बैच परचेस करना था उसके लिए मैं बता दूं आप क्या कर सकते हैं आपको सिंपली जाना है देखिए इस तरह से सर्च करना है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन आप सर्च करेंगे सिंपली आपको ओपन करना है ऑल कोर्सेज में जाना है टीचिंग एग्जाम सेलेक्ट करना है यूपी टीजीटी पीजीटी पर जाना है और आप जाके देख सकते हैं कि आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे ठीक है ना तो स्टूडेंट अब मैं आपको बता दूं कि आप जिन बच्चों को मेरे बैच में इनरोल होना है फॉर टीजीटी एंड पीजीटी मेरा नया बैच और शुरू होने वाला है एक क्योंकि स्टूडेंट काफी सारे हमारे इस बैच में हो गए हैं तो अब हम एक नया बैच भी लॉन्च कर रहे हैं जो कि हमारा होने वाला है 16 अगस्त से तो जो भी बच्चे उसमें एनरोल होना चाहते हैं सिंपली आपको क्लिक करना है फॉर यूपी टीजीटी या पीजीटी के लिए जो भी आप लेना चाहते हैं आपको यहाँ पे ऑफर देखने के लिए मिलेगा जब आप ऑफर पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरा कोड अप्लाई करना है यहां पर मेरा कोड है वाई 571 ये मेरा कोड है जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको कोर्स पे डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी मेरे कोर्स में एनरोलमेंट ले रखा है उनकी क्लास प्रॉपर चलनी शुरू हो गई है नए स्टूडेंट जो इनरोल होना चाहते हैं वो भी इनरॉल हो सकते हैं 16 बैच से हमारा 16 अगस्त से एक नया बैच शुरू होने जा रहा है तो आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो परेशान है किसी ना किसी प्रॉब्लम से तो उनके लिए देखिए मेरी तरफ से ऐसी कोई बात आपके साथ नहीं होने वाली है मेरे स्टूडेंट मुझे लगता है, है। जो अच्छे से पढ़ रहे ये बात आप भी बता सकते कि आप हो या नहीं हो आपको तो सारे जितने भी है, तो मेरी आप सभी हंसते रहे मुस्कुराते रहे सभी खुश रहे सभी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से करे और साथ ही साथ सभी का सिलेक्शन इस बार यूपी पीजीटी में हो जाए ठीक है ना स्टूडेंट तो आपकी जो भी बाकी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग पेड बैच वो मैं अपनी क्लास में सुनूंगी और आपको वहां पे आपके सॉल्यूशंस देने की पूरी कोशिश भी करूंगी चलिए स्टूडेंट मिलते हैं अपनी कल की क्लास में तो होपफुली आप सभी को आज की क्लास में मजा आया होगा